हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी से चैप्टर 4 नन्ना फनकार की क्विज। तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1। केशव मन ही मन क्या कल्पना करता रहता था? इसमें ऑप्शंस हैं शिक्षक बनने की, राजा बनने की, अच्छा शिल्पकार बनने की, वैद्य बनने की। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, अच्छा शिल्पकार बनने की। केशव मन ही मन अच्छा शिल्पकार बनने की कल्पना करता रहता था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2। केशव के जन्म से पहले उसके माता पिता कहाँ आ गए थे? अलीगढ़, आगरा, लखनऊ या फिर बनारस। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, आगरा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। लड़का किस प्रकार के पत्थर के पास बैठ गया? लड़का कौन? केशव। केशव किस प्रकार के पत्थर के पास बैठ गया? लाल चौकोर पत्थर, सफ़ेद चौकोर पत्थर, हरा चौकोर पत्थर या फिर काला चौकोर पत्थर। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, लाल चौकोर पत्थर। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4। लड़के ने जल्दी जल्दी क्या बुदबुदाया? जब केशव ने अपना काम स्टार्ट किया तो उसने मन ही मन क्या बोला था? ऑप्शन है गाना, पाठ, प्रार्थना या फिर स्तुति। प्रार्थना को हम इस तरह से लिखेंगे। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रार्थना। केशव ने जल्दी जल्दी प्रार्थना की और उसके बाद उसने अपना काम स्टार्ट किया। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5। केशव की आयु कितनी थी? जब वो महाराज अकबर से बात कर रहा था तो उस वक्त उसने अपनी एज बताई थी कि वो कितने साल का है। इसमें ऑप्शन देखते हैं 8, 10, 12, 14। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 10। केशव की आयु 10 वर्ष की थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6। केशव पत्थर पर क्या उकेरना चाहता था? ऑप्शन है घंटियां, खिलौने, मूर्ति या फिर टॉय कार। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, घंटियां। केशव पत्थर पर घंटियां उकेरना चाहता था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7। आगरा का किला किसने बनवाया? ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, अकबर ने। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। बच्चों, क्या आप जानते हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर ये सभी मुगल शासक थे और इनमें से कुछ सुल्तानों ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था और कुछ सुल्तानों ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। आगरा का किला जो था ना, वो सम्राट अकबर ने बनवाया था। बच्चों, ये प्रश्न जो है ना, ये थोड़ा सा आपके कोर्स से हटकर है कि जो पहला मुगल शासक था वो कौन था। तो बच्चों,
जो बाबर था ना वो पहला मुगल शासक था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पर मैं शब्द जो है वो रेखांकित है, इसको अंडरलाइन किया गया है। आपको बताना है कि ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है। तो आप सब जानते होंगे क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब आपके कोर्स में है ही, तो आपको इसकी पहचान अच्छे से होनी चाहिए। तो इसमें जो मैं शब्द है वो क्या है? वो है सर्वनाम। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9, जब अकबर सीकरी में केशव के पास आए तो उन्होंने क्या पहना हुआ था? ऑप्शंस हैं सफ़ेद अंगरखा, पजामा, लाल रंग की पगड़ी या ये सभी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ये सभी। जब अकबर सीकरी में केशव के पास आए थे तो उन्होंने सफ़ेद अंगरखा, पजामा और लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10, मुआयना का क्या आशय है? आपको यहाँ बताना है कि मुआयना शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन है निरीक्षण, आईने के आगे मुंह करना, आईना कहते हैं शीशे को, मिरर को, एक और दो दोनों, यानी निरीक्षण करना और आईने के आगे मुंह करना, ये दोनों ही मुआयना का आशय है या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, निरीक्षण। मुआयना का अर्थ है निरीक्षण करना। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11, ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आगरा में, सीकरी में, रामपुर में या फिर मुरादाबाद में? इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। आपने चैप्टर में पढ़ा था कि अकबर की कोई संतान नहीं थी और ख्वाजा सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को 3 संतानें होने का आशीर्वाद मिला था, तो इसीलिए अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम भी रखा था। और उनकी जो दरगाह है वो आपको बताना है कि वो कहाँ पर है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सीकरी में, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 12, जब महाराज अकबर महल में आए थे और वो केशव से बात कर रहे थे, उस समय पहरेदार भाग कर आया था और उसने केशव से कहा था, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने, झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि उसने ये क्यों कहा था। इसके ऑप्शंस हैं बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है, ऑप्शन 2 पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, ऑप्शन 3 पहरेदार को बादशाह के आने का पता ही नहीं चला इसलिए वह घबरा गया था, ऑप्शन 4 बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। इसका जो सही जवाब है वो हम जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 13, जब अकबर केशव के पास आए तो उन्होंने किस रंग की पगड़ी पहनी हुई थी? इस पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। इसके ऑप्शंस हैं हरी, लाल, सफ़ेद या फिर काली। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, लाल रंग की। अकबर जब केशव के पास आए थे तो उन्होंने लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई थी और सफ़ेद अंगरखा और साथ ही पजामा पहना हुआ था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 14, अकबर ने लड़के को क्या सिखाने को कहा? अकबर ने केशव से क्या सीखने के लिए की बात की थी? ऑप्शन है खाना पकाना, नक्काशी करना, कपड़े धोना या फिर पुताई करना। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में।
जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, नक्काशी करना। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 15। घर आकर केशव ने अपने पिता से कहा कि बादशाह अकबर बहुत नेक इंसान है। रेखांकित शब्द क्या है? आपको यहाँ बताना है कि नेक शब्द क्या है। नेक माने क्या होता है? अच्छे या फिर भले। ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, विशेषण। यहाँ पर नेक शब्द अकबर की विशेषता को बता रहा है। ये बता रहा है कि बादशाह अकबर बहुत ही अच्छे इंसान है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 16। अकबर किस समाज से संबंधित थे? यहाँ पर हम सामाराज्य लिखेंगे। अकबर किस सामाराज्य से संबंधित थे? ऑप्शन है मुगल, मौर्य, लोदी या फिर तुगलक। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है मुगल। अकबर मुगल साम्राज्य से संबंधित थे। वो मुगल साम्राज्य के शासक थे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 17। केशव का पुश्तैनी गांव किस राज्य में था? गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात। केशव के जन्म से पहले ही केशव के माता पिता आगरा आ गए थे और वहीं आकर के बस गए थे और केशव को कभी भी गुजरात में अपने पुश्तैनी गांव जाने का मौका ही नहीं मिला था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 18। अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम किसके नाम पर रखा था? ऑप्शंस हैं ख्वाजा सलीम चिश्ती, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती, ख्वाजा पीर मोहम्मद, अल्लाह चिश्ती। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ख्वाजा सलीम चिश्ती। इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 19। केशव एक दिन अपने पिता की तरह कौन से डिजाइन उकेर पाएगा? ऑप्शन है बारीक जालियां, कमल के फूल, लहराते सांप, ये सभी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। केशव एक दिन अपने पिता की तरह बारीक जालियां, कमल के फूल, लहराते सांप और बेल बूटे भी उकेरना सीख पाएगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 20। पिता के एक बार सिखाने पर केशव कौन से डिजाइन उकेर सकता था? ऑप्शन हैं सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन, टेढ़ी लकीरों वाले, सुंदर लकीरों वाले या फिर तिरछी लकीरों वाले। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, तिरछी लकीरों वाले। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, पिता के एक बार सिखाने पर केशव सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन आसानी से उकेर सकता था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 21। कौन सी आवाज कानों में पड़ने पर केशव चौंक गया? केशव जब काम कर रहा था तो उसने कौन सी ऐसी आवाज सुनी थी जिसको सुनकर के केशव चौंक गया था? ऑप्शन है माशाल्लाह, बहुत खूब, क्या बात, अति सुंदर। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, माशाल्लाह। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 22।
अकबर ने कितने वर्ष की आयु में पहली बार युद्ध में भाग लिया था? ऑप्शन है 13, 12, 10 या फिर 15। अकबर जब केशव से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने कितनी वर्ष की आयु में पहली बार युद्ध में भाग लिया था। इसका जो सही जवाब है वो हम जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 13। जब केशव ने अपनी एज 10 ईयर्स की बताई थी तब अकबर ने भी कहा था कि इसका मतलब है कि तुम भी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में पहली बार युद्ध में भाग लिया था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 23, अकबर ने एक दिन केशव को क्या बनने का आशीर्वाद दिया था? ऑप्शन नंबर 1, बड़ा फनकार, राजा, मंत्री या फिर सैनिक। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है बड़ा फनकार, ऑप्शन नंबर 1। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 24, इत्मीनान का क्या आशय है? आपको बताना है इत्मीनान शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन है धीरे से, आराम से, जल्दी से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, आराम से। वो इत्मीनान से बैठ गया था, तसल्ली से बैठ गया था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। केशव किस जगह पर काम कर रहा था? आगरा में, सीकरी में, दिल्ली में या फिर गुजरात में। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, सीकरी में। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने मार्क्स कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।